बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका भाई काशिफ खान हाजिर। आज मौसम बहुत ही प्यारा है और मैं खड़ा अपने घर में हूँ और बादल गरज रहे हैं, चमक रहे हैं और बारिश भी बूंदाबांदी हो रही है। ड्रिजलिंग, ड्रिजलिंग इंग्लिश में कहते हैं ड्रिजलिंग और उर्दू में कहते हैं बूंदाबांदी और हमारी सराइकी में कहते हैं कि किणमिण, किणमिण। तो अभी इतना प्यारा मौसम है कि चाय को भी दिल कर रहा है। तो ये देखिए मेरे हाथ में कप है और इसमें ये चाय है और मैं इंजॉय कर रहा हूँ चाय और बारिश। बिल्कुल मैं यहाँ खड़ा हूँ, बरामदे के बाहर खड़ा हूँ। ये देखिए मेरे मोबाइल में अगर एक भी बारिश की बूंद चली गई तो मोबाइल ख़राब हो जाएगा। तो चाय को मैं इंजॉय कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, मौसम भी इंजॉय कर रहा हूँ। और अभी जाता हूँ मैं, हमारे घर में लगे हुए हैं मज़दूर और मिस्त्री, कितने दिन से लगे हुए हैं मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो अभी पहले बारिश कुछ देर पहले हुई थी तो उन्होंने प्लास्टर किया हुआ था, ये सुन रहे हैं बादल गरज रहे हैं, तो उन्होंने प्लास्टर किया हुआ था लेकिन प्लास्टर सारा बह गया बारिश की वजह से। अब फिर दोबारा से बारिश हुई है और उन्होंने फिर प्लास्टर किया है। देखते हैं सूरत हाल जाके, पहले पी लेते हैं चाय, चाय के बाद फिर सूरत हाल देखते हैं, उसके बाद मैं आपको लेकर जाऊंगा मामा जी के पास भी। ज़बरदस्त चाय है, मौसम के लिहाज से बेहतरीन चाय। हमारे घर में लगा हुआ था काम, फिर से बारिश शुरू हो गई। तो ये देखें, ये खिड़की को प्लास्टर किया हुआ था इर्द गिर्द से, पहले बारिश हुई तो पहले बह गया प्लास्टर ये बारिश की वजह से। तो अब मजदूर मिस्त्री अभी भी हैं, चाय पी रहे हैं। एंजॉय बारिश, ये जी पी रहे थे मजदूर और मिस्त्री चाय। अब मैं जाता हूँ मामा जेके के पास। आपने सुना है कि बिजली कहीं पर जो है गरज हुई है, चमक हुई है और बिजली गिरी है कहीं पर। दिल तो कर रहा है कि मैं मामा जेके के पास जाऊं लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा है कि मुझे डर लगता है कि मेरा कहीं कैमरा ख़राब ना हो जाए और ऊपर से बादल भी गरज रहे हैं, चमक रहे हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है। ये देखें इर्द गिर्द बारिश को आप महसूस कर सकते हैं। ये देखें ये बादल हैं और ऊपर बिल्कुल बादल ही बादल हैं। ऊपर जा रहा हूँ जी मामा जेके के घर, क्योंकि एक फरमाइश आई है आसिम खान की सऊदी से कि मामा जेके से मुलाकात लाजमी करवाएं। तो स्पेशल खसूसी फरमाइश है और दोस्त भी बहुत करीबी है। तो मामा जेके कितने दिन हुए मामा जेके से मुलाकात भी नहीं हुई, तो अभी जाते हैं मामा जेके के घर, देखते हैं कि मामा जेके क्या कर रहे हैं और उनसे मुलाकात करते हैं। मौसम भी बहुत प्यारा हो गया और ये मामा जेके का आ गया दरवाज़ा। मैं दूंगा बैल, अंदर नहीं जाता डायरेक्ट। तो वेट करते हैं मामा जेके का कि मामा जेके बाहर आते हैं या नहीं आते, उनके बेटे आते हैं। उज़ैर खान, देखा कित थे अबू? अबू वत है। ये मामा जेके का बेटा निकला उज़ैर खान और अब मैं जा रहा हूँ खुद अंदर। अस्सलाम वालेकुम नाम आसिम भाई, क्या हाल चाल है? ठीक हो? जेके मामा हाजिर खिदमत। सॉरी फरमाइश थी देना ना, मैं हाजिर। अच्छा जी, आज मामा जेके ने बिल्कुल नया स्टाइल देखें, ग्लासेस भी लग गए इनके और मास्क भी लग गया। और आसिम खान आपकी फरमाइश पर मैं खुशी आया हूँ मामा जेके के घर। इधर ठीक नहीं, इधर ये ठीक होती ना इंशाल्लाह ताला। वो गाना आज तक मेरे को मुकम्मल नहीं पता हाल हो, मैं कितने बना आसिम भाई, तू तो बड़ा शहर शहर निकला है। मामा के पास मैं स्पेशल आया हूँ, आसिम खान आपकी वजह से आया हूँ, आपकी फरमाइश थी। पहले मोहब्बत का तेरा बड़ा शुक्रिया, तुम्हें बड़ी मोहब्बत कर दो, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह ताला को खुश रखे। Yeah.
आसिम खान गई मामा जे के घर से मैं वापस आ रहा हूँ, तो अब घर पहुँचने वाला हूँ। अब इजाज़त दें, चैनल सब्सक्राइब करें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।